तमाम पाकिस्तान को सीएम हाउस पेशावर से सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे केपीके से एक बहुत बड़ा झुंड आया हुआ है और हम सीएम हाउस में तैयारी करें इंशाल्लाह जुम्मे 4 अक्टूबर की। हमारा पुरअमन काफिला, हमारा पुरअमन एहतजाज इंशाल्लाह सवाबी इंटरचेंज से 11 बजे निकलेगा। हम सब पहुंचेंगे जिस तरह पहले हमने कभी भी जालमों पे हाथ वापस नहीं उठाया, इस दफ़ा भी नहीं उठाएंगे। लेकिन हमारे जो हक हैं जो हमें आईन में मिले हुए, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन असम्बली, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता और इंशाल्लाह हम पहुंच के रहेंगे। हमें फ़लस्तीन और लबनान बनने का शौक़ नहीं है। हमने कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं किया लेकिन अपने साथ भी जुल्म नहीं करेंगे। हक मांगेंगे, डी चौक पहुँचेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि मत उलझें अपनी आवाम से, अपनी आवाम पर रहम करें। जो गैर पाकिस्तानी पहुँच सकते हैं मरी तक, उनके लिए वीज़े, उनके लिए बग़ैर पासपोर्ट इंतज़ाम हो सकता है, तो कोशिश कर दें कि जो अपनी कौम है, जो अपने पाकिस्तानी हैं, मुसलमान गैर मुसलमान, उनके लिए रास्ते खुले रहें। हम अमन का एक छोटा सा मुजाहरा करके वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई जुल्म ज्यादती हुई खासकर ख्वातीन के साथ, तो फिर ये याद रखिएगा कि हम भी हुकूक रखते हैं इस मुल्क में। ये भी पुलिस भी हमारी, ये फौज भी हमारी, अवाम भी हमारी, शहदा भी हमारे। तो प्लीज़ ये याद रखिए, हम अमन के साथ आ रहे हैं, अमन के साथ वापस जाएंगे। हमारा हक है एहतजाज करना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। सारा पाकिस्तान डी चौक पहुंचेगा अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने इमरान खान के लिए। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।